तो देश के इतिहास में पहली बार होगा कि किसी दल ने राष्ट्रपति पर सवाल उठाए हो, उन्हें सियासत में घसीटा हो, लेकिन कांग्रेस ने कारनामा कर डाला। क्या महामहिम पर कांग्रेस का बयान पद का अपमान नहीं है? आखिर सर्वोच्च पद को लेकर दलगत सियासत क्यों? जिस पद को पॉलिटिक्स से परे समझा जाता है, जिसे देश का प्रथम नागरिक कहा जाता है, जिसे संविधान का संरक्षक कहा जाता है, जिस जगह सियासत की सीमा खत्म हो जाती है, उस महामहिम के पद कांग्रेस ने दलगत राजनीति में खसीट लिया और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पहले ही संबोधन सियासत शुरू कर दी। माननीय राष्ट्रपति जी पंडित जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल के लोगों के नाम लेते हैं और जो देश का पहला प्रधानमंत्री था, जो फ्रीडम फाइटर था, उसका एक बार भी नाम नहीं ले लिया। ये तो बहुत ही अफसोस की बात है। वो कैसे, सरदार पटेल जी का नाम लिया बहुत अच्छी बात है, अम्बेडकर जी का नाम लिया बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो नेहरू जी के ऊपर तो नहीं थे। नेहरू जी तो फ्रीडम मूवमेंट में भी उनसे आगे थे और वो प्रधानमंत्री थे, तो प्रधानमंत्री का नाम न लेना तो कहीं ना कहीं बहुत बुरा लगता है। एक राष्ट्रपति के नाम से इस तरह से बंटवारा करना, मंत्रियों का नाम लेना और नेहरू का नाम नहीं लेना, ये अच्छी बात। राष्ट्रपति का पद हमेशा सियासत से दूर रहा, कभी किसी ने इस पद पर और इस पद पर बैठने वाले व्यक्ति पर सवाल नहीं, चाहे उसका पिछला इतिहास किसी भी पार्टी का। लेकिन कांग्रेस ने सियासत के लिए देश के सर्वोच्च पद को भी नहीं बख्शा। कांग्रेस के अलावा बसपा ने रामनाथ कोविंद पर अम्बेडकर को लेकर सवाल खड़े किए। लगी हुई भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भी प्रतिमा पर अपने श्रद्धा के कुछ फूल जरूर अर्पित कर देते, जिनकी वजह से ही आज वे देश के राष्ट्रपति बन पाए। इसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस की सोच पर सवाल खड़े कर दिए और राष्ट्रपति पर सवाल उठाने को कांग्रेस की गलत मानसिकता बता दिया। कांग्रेस के लोग इस पर आपत्ति प्रकट कर रहे हैं कि जवाहरलाल नेहरू का नाम नहीं लिया गया। नेहरू देश के बहुत बड़े नेता थे, उनकी एक अपनी जगह है, लेकिन हर भाषण में नेहरू जी का नाम लेने का दबाव देकर क्या कांग्रेस पार्टी नेहरू जी के व्यक्तित्व को छोटा करने की कोशिश कर रही है? विचारधारा को सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी बनाने में दीनदयाल उपाध्याय की बहुत बड़ी भूमिका रही है। इसलिए अगर आज के दिन भारत के राष्ट्रपति जी ने उनको सम्मान दिया है तो हमारे लिए गर्व की बात है और देश के गर्व की भी बात है। हर बात पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ऐसे में सवाल उठता है कि राष्ट्रपति पर सवाल उठाना क्या इस पद की गरिमा के खिलाफ नहीं? क्या कांग्रेस सियासत के लिए राष्ट्रपति को भी घसीटेगी? आखिर कांग्रेस की सियासत का ये कौन सा स्तर है? ब्यूरो रिपोर्ट समाचार। तो क्या हर बात पर राजनीति होना जरूरी है? और अब क्या सर्वोच्च पद देश राजनीति से अछूता नहीं रहा, उस पर भी क्या अब राजनीति करने लगे हैं सभी राजनीतिक दल? सभी खास जमा लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। अंशु अवस्थी साहब, आज तो कांग्रेस ने वो कर डाला जो कभी तक नहीं हुआ। क्या आपको लगता है कि माननीय के महामहिम के इस बयान के बाद, संबोधन के बाद, उस पर इस तरह की बहस होनी चाहिए थी? देखिए घनश्याम जी, निश्चित रूप से ये बिल्कुल सही बात है और ये श्री गुलाम नबी आजाद जी का एक अभिव्यक्ति है और जो बिल्कुल सही है। वो हमारी पार्टी के बड़े नेता हैं। निश्चित तौर से मैं फिर बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा परिभाषाओं को समय के साथ साथ बदलने का काम करती है। एक तरफ आप सारे नेताओं का नाम लेते हैं, ठीक है, अगर आप लोकतंत्र में आस्था रखते हैं और वाकई में आपको ये लगता है कि 1900 जो प्रथम मंत्रिमंडल था वो बहुत अच्छा था, तो आपको प्रधानमंत्री पद की भी गरिमा रखते हुए प्रधानमंत्री का सम्मान करिए। नेहरू के साथ साथ प्रधानमंत्री भी थे वो इस देश के। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी एक तरफ कहती है कि 70 सालों में इस देश में कुछ नहीं हुआ, दूसरी तरफ इनके उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार वेंकैया नायडू ये बात कहते हैं, पाकिस्तान को धमकी देते हैं कि 1971 का सबक याद रखे पाकिस्तान। तो कहीं ना कहीं ये परिभाषाओं को समय के साथ अपने हिसाब से मोड़ने और बदलने का लोगों के जीवन के रोल मॉडल भी थोपेंगे। अब किसी के जीवन का कोई आदर्श होगा वो भी आप बताएंगे कौन आपका आदर्श हो कौन ना हो। सर सारी चीजें आप लेंगे सर, और वेंकैया नायडू का तो मैं जिक्र ही नहीं कर रहा हूं अभी। नहीं, मैं थोपने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर आप कहीं ना कहीं जो राष्ट्र
वो कांग्रेस नहीं, वो देश के निर्माता थे। कांग्रेस एक अलग बात है, वो कांग्रेस के प्रधानमंत्री नहीं थे, वो देश, वो आजाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। पर सर आप वो सभी के प्रधानमंत्री सर, आप हाइप तो ऐसी क्रिएट करते हैं ना, लगता है कि आप ही के प्रधानमंत्री थे। आप तो देश को कांग्रेस मान लेते हैं। असल में व्यक्तित्व घनश्याम जी वो था कि पहली लोकसभा में उन्होंने अपने विपक्ष को भी साथ में बिठाया, चाहे वो लोहिया हो चाहे जय, बहुत सारे लोग। तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर से जो एक लोकस्वस्थ लोकतंत्र का सपना था, जिसकी परिकल्पना, जिस समाजवाद की परिकल्पना नेहरू ने की, जरूरी था ये आज बयान देना सर। गुलाम नबी आजाद का ये बयान देना, आपको लगता है कि कहा जाना था, अनिवार्य था ये कहना? घनश्याम जी निवेदन है, मेरी बात पूरी हो जाए। जिस तरीके की समाजवाद की परिकल्पना और स्वस्थ लोकतंत्र की परिकल्पना इस देश में नेहरू जी ने की थी, मुझे लगता आज उसी का ये परिणाम है कि राम कोविंद जी भी राष्ट्रपति हैं और नरेंद्र मोदी जी भी प्रधानमंत्री हैं। अच्छा, ये स्वस्थ लोकतंत्र, आप देखें भारत के साथ 100 देश लगभग आजाद हुए, आप देखें विपक्ष का क्या हाल है, चाइना में आप देखिए विपक्ष का क्या हाल है, चाइना से बहुत बड़ा दोस्त मोदी जी ने बनाया था, झूला झूला रहे थे, ठीक है। आप देखिए सिंगापुर में विपक्ष का क्या हाल है, सर पाकिस्तान का हाल देखिए। सुनील जी क्या वाकई लोकतंत्र, क्या वाकई जितना वोट मजबूत उतना विपक्ष मजबूत, दलगत राजनीति पूरा सुन लिया सर मैंने आपको। अब क्या सर्वोच्च पद के साथ भी ये राजनीति होनी चाहिए क्या सुनील जी? नहीं, मेरा अपना मानना है कि देश के महामहिम राष्ट्रपति के खिलाफ या उनके कार्य पद्धति पर या उनके भाषण पर आज कम से कम उनका उन पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। और अब तक आज क्यों सर, बाद में क्यों होनी चाहिए? आज भी नहीं और बाद में भी नहीं होनी चाहिए सर, कभी नहीं होनी चाहिए। और अब तक कभी भी उस कुर्सी पर दलगत जातिगत ये सवाल नहीं उठे हैं। हाँ, मायावती जी ने एक बात अच्छी कही, उन्होंने जो महामहिम पर सवाल उठाया उससे मैं सहमत नहीं हूं, लेकिन उन्होंने जो कहा कि वो एनडीए के एजेंडे को लागू करना चाहते हैं, वो एनडीए का जो वो अपना गठबंधन है वो अंबेडकर के खिलाफ है, तो मैं ये मायावती जी की दूसरी बात से सहमत हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है वो अंबेडकर की विचारधारा के खिलाफ है, वो दलित के खिलाफ है, पिछड़ों के खिलाफ है। आपको हालांकि ऐसा कैसे लगा आपको? नहीं, वो मैं कह रहा हूं ना कि दलित के साथ बैठ के खाना खा लेने से आप दलित के पक्षधर नहीं हो गए। आप उत्तर प्रदेश में सरकार है आपकी, पूर्व बहुमत की, और सहारनपुर में दलित को जाति हिंसा के तहत आप मार रहे हो, दलित को कहीं न्याय नहीं मिल रहा है, पिछड़ों को कहीं न्याय नहीं मिल रहा है। आप उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार में हो, दिल्ली की आप सरकार में हो। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी ने 14 के बाद जब नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने अपने जो भाषण किए थे चुनाव में कि हम ये योजनाएं लाएंगे, योजनाओं पे तो काम मेरा कम किया, लेकिन उन्होंने देश के जितने भी महापुरुष थे, आप सहमत नहीं है, उन्होंने देश के जितने भी महापुरुष थे उन्होंने एक अभियान चलाया कि महापुरुष छीनो अभियान, हर महापुरुष के साथ फोटो खिंचाना और हर महापुरुष के साथ ये कह देना हम इनके आइडियोलॉजी पर चलते हैं। मैं भाजपा के असल में सुनील जी आप घबराने लगे हैं कि वो खास दलित वाले आपसे अब छिटक ना जाए, क्योंकि सिर्फ दलितों का नाम लेके आप पॉलिटिक्स करते हैं, काम तो कभी कुछ हुआ नहीं इससे पहले। अंबेडकर जी के विचारधारा पे चलना चाहती है, ठीक है, या नाथुराम गोडसे को मानती है। दिलीप जी असल में ऐसा क्यों लगने लगा कि एनडीए अपना हिडन एजेंडा सेट करने की कोशिश कर रही है लोगों के नाम पर भी और राष्ट्रपति के नाम पर भी? घनश्याम जी देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति के शपथ ग्रहण पे जो अभी भाषण हुआ उसके संदर्भ में कोई भी टिप्पणी करना ओछी राजनीति है। और गुलाम नबी आजाद जी का मैं अभी सुन रहा था, उन्होंने एक नई बहस भी शुरू कर दी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के मंत्रिमंडल में सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, क्या वे उनसे ऊंचे हैं या उनसे, दोनों लोगों की तुलना भी कर दी, आजादी के समय इन महापुरुषों की भी तुलना कर दी और इन पर राजनीति करने का काम कांग्रेस ने किया है, सदैव किया है। शायद भूल गए कांग्रेस के प्रतिनिधि जी बैठे हुए हैं, महात्मा गांधी जी ने उस समय क्या कहा था, सरकार बनने के बाद कहा था, गांधी वाङ्मय पढ़ सकते हैं, सच है कि इस कांग्रेस, ये कांग्रेस भ्रष्टाचारी हो गई है, इसे नष्ट कर देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए, इसमें अब भ्रष्टाचार आ चुका है। लोहिया जी की बात कह रहे थे, लोहिया जी ने सदैव गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया, शायद समाजवाद की सही परिभाषा
अंशु जी की जानकारी में नहीं है, शायद आपकी जानकारी में नहीं। मुझे पूरी बात धैर्यपूर्वक सुन लीजिए, पूरी बात धैर्यपूर्वक सुन लीजिए, मुझे आपकी जानकारी में पूरी बात धैर्यपूर्वक सुन लीजिए, पूरी बात धैर्यपूर्वक सुन लीजिए, फिर आगे बताइए का जवाब दीजिएगा। आपको शायद जानकारी नहीं है समाजवाद की। लोहिया जी ने सदैव गैर कांग्रेस की बात की थी, जानकारी होती और समाजवाद की बात कभी कांग्रेस के नेताओं ने नहीं की, और स्वयं समाजवादी पार्टी की स्थापना करने वाले श्री मुलायम सिंह यादव ने लोहिया जी के सिद्धांतों की बात करते हुए कांग्रेस से सदैव दूरी बनाई रखी, ये इतिहास है। क्यों नहीं उन्होंने सोनिया जी का सहयोग किया, इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर उन्होंने अपनी बात रखी। मैं उनकी बात को अब आप समाजवादी पार्टी और सरकार को प्रमाण पत्र देने का काम नहीं, हम प्रमाण पत्र नहीं दे रहे हैं, आपको कौन प्रमाण पत्र देगा। आपके युवराज तो जाते हैं चीन के राजदूत से छुप छुप के मिलते हैं, बताते हैं, मिलते बाद में झूलते राजनीति करते हैं, प्रधानमंत्री झूला झूलते नहीं, बहुत दुश्मन दे रहे साथ झूला झूलते पड़े हैं, जिस सरकार पर पटेल पड़े हैं को ये आक्रमण पर होते प्रधानमंत्री झूला झूलते शायद आप और आप देश मजाक बनाने का प्रधानमंत्री जी ने महात्मा गांधी जी से लेके तमाम महापुरुष हुए जिन लोगों ने आजादी दिलाई थी, तब भी इसके साथ ही अभी हमारे रविशंकर प्रसाद जी ने बताया पंडित जवाहरलाल नेहरू जी महापुरुष हैं, देश के प्रथम प्रधानमंत्री हैं, उनका सम्मान है और हर जगह उन्हें कोट करना ठीक है और राजनीति करना ये गलत है। लेकिन आपको सर आपको एक खास छवि में कैद करने की कोशिश क्यों होती है सर, ये बताइए। ओथ सेरेमनी के बाद जय श्री राम नारे के नारे लगे, सुन लीजिए ना, जय श्री राम के नारे लगे वो भी नहीं हुआ सर आज से पहले तो कभी नहीं। घनश्याम जी क्या जय श्री राम कहना अपराध है या सांप्रदायिकता? तो सर इससे पहले तो वो भी कभी नहीं हुआ, इससे क्या पहले भारत तो के संविधान में जय श्री राम कहने पर कोई वो भी अनिवार्य थे क्या? भारत माता की जय अगर हम बोले तो लगाए जाना अनिवार्य थे, बताएंगे अगर हम जय श्री राम बोले तो उसमें आप हमें सांप्रदायिक बताएंगे, अगर जो हिंदुत्व की बात करें तो हमें आप सांप्रदायिक करेंगे। आप भी असल में कैटेगराइज होना चाहते हैं खास ब्रैकेट में, उससे इतना निकलना नहीं चाहते हैं आप। प्रमोद जी भी मेरे साथ हैं, ये तो लगातार तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले सपा बसपा कांग्रेस के लोग हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं। सर आपके लोग खुद समय समय पे प्रूफ कर देते हैं असल में, ऐसा आपके लोग खुद प्रूफ कर देते हैं ठीक है सर, अब न्यूट्रल समझ लेते हैं सर, थोड़ा ठीक है समझ गया दिलीप जी, थोड़ा न्यूट्रल सोच लेते हैं। प्रमोद जी क्या वाकई नेहरू को भूल जाना पटेल को याद रखना आपको लग रहा है कि ये ट्रेंड ऑफ पॉलिटिक्स में बदलाव है और ये बदलती हुई राजनीति के संकेत हैं, इसको याद करना और उसको भूल जाना? उपाध्याय जी देखिए, देश के प्रथम नागरिक के ऊपर कोई भी टीका टिप्पणी अच्छी नहीं, वो दलीय राजनीति से ऊपर उसको देखा जाता है, उस पद की अपनी एक गरिमा है। लेकिन जहां तक गुलाम नबी आजाद साहब ने जो टिप्पणी की है अगर आप उसको ईमानदारी से देखें तो नेहरू जी न केवल देश के पहले प्रधानमंत्री थे बल्कि देश की आजादी में उनका किसी से भी कमतर योगदान नहीं था। इस निश्चित रूप से उनको दलगत आधार पर नहीं लेकिन उनका इस देश की को स्वतंत्र कराने में उनका बड़ा योगदान रहा है, अगर उनका उल्लेख कर दिया जाता तो कोई उसमें हर्ज नहीं था। लेकिन स्थिति ये है कि अब हर चीज को वोट की राजनीति और राजनीतिक चश्मे से जो देखने का हमारे राजनीतिज्ञों का जो धर्म बन गया है उससे न केवल राजनीति प्रदूषित हो रही है बल्कि एक समाज में भी बहुत गलत संदेश जा रहा है, शायद इस पर अंकुश लगाया जाना चाहिए। लेकिन सर आपको क्या लगता है कि अगर ये नाम नहीं लिया गया, किसी का नाम रह गया, अगर उसको बोल दिया जाता तो क्या हो जाता और नहीं बोला गया तो इस बवाल की गुंजाइश थी क्या? नहीं बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ये कोई नेहरू जी का अगर नाम नहीं लिया गया तो इसके मतलब ये नहीं है कि उनके स्वतंत्रता आंदोलन से कोई मतलब नहीं या वो पहले प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री नहीं रहे, वो ये भी एक राजनीति वहां से की गई खाली बीजेपी को घेरने के लिए। लेकिन बेहतर होता कि अगर हमारे राष्ट्रपति जी उनका भी उल्लेख करते इस नाते सिर्फ नहीं कि वो पहले प्रधानमंत्री थे बल्कि इस देश की आजादी में उनका बहुत बड़ा योगदान था, उनको लिया जाए। मैं आपको उपाध्याय जी दो चीजें यहाँ जरूर, आप उस पद से हट जाइए, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के खिलाफ फूलपुर से डॉक्टर लोहिया सदैव चुनाव लड़ते रहे और ये जानते हुए कि यहां मैं नहीं जीत सकता, और जब वो फर्रुखाबाद से वो चुनाव जीत के गए तो उन्होंने
आस्तीनों को यूं करते हुए कहा कि जिगर थाम के बैठो, मेरी बारी आई, और उन्होंने नेहरू जी की बुरी तरीके से आलोचना की संसद के अंदर। लेकिन वो भी एक गरिमा थी कि वहां पर नेहरू जी ने उनके तर्कों का जवाब तो दिया, लेकिन कहीं इन शब्दों में नहीं दिया कि जो उससे एक दलगत राजनीति या उसमें कहीं वोट की राजनीति की कोई चीज आए। उस समय हालांकि परिस्थितियां भी ऐसी नहीं थी कि विपक्ष इतना मजबूत हो, लेकिन तब अपनी सदन की और नेताओं की अपनी एक गरिमा हुआ करती थी। मैं दूसरी एक दूसरा प्रसंग और आपको बताना चाहूंगा। नेहरू जी ने अटल जी के भाषण पर उनकी भूर भूर संसद में प्रशंसा की और यहां तक ये बात कही कि ये व्यक्ति आगे जाके प्रधानमंत्री भी बन सकता है, और वो अक्षरशः सही भी हुआ। तो सवाल ऐसा नहीं है, सत्ता पक्ष में विपक्ष के लोगों की प्रशंसा होती रही है अच्छे आचरणों की, और विपक्ष भी सत्ता पक्ष के अच्छे कार्यों की, अच्छे सिद्धांतों की, नीतियों की सराहना करता रहा है। लेकिन अब उपाध्याय जी स्थिति यह हो गई है कि ना तो विपक्ष को सत्ता पक्ष रास आता है, न सत्ता पक्ष को विपक्ष रास आता है, क्योंकि जो जिस ढंग से जातिगत धर्म और इन चीजों पर आधारित राजनीति को तो बदलते दिया गया समय है, के साथ चीजें बदली हैं, और इस बदलाव के बीच असल में राजनीति हो भी रही है। लेकिन दिलीप जी, क्या वाकई सरदार पटेल की सियासी विरासत को लेने की ये होड़ है, इसे ऐसे भी समझे क्या हम? घनश्याम जी, महापुरुषों पे राजनीति नहीं होनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी कतई राजनीति नहीं करती, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर जी के सिद्धांतों को, महात्मा गांधी के सिद्धांतों को, सरदार वल्लभ भाई पटेल के सिद्धांतों को, या पंडित नेहरू जी के जो कार्य रहे, उन सारी चीजों को, जो अच्छी चीजें हैं, उनको परिपाटी में लाना और आमजन के बीच में ले जाना मोदी सरकार इसे बखूबी कर रही है। चाहे स्वच्छ भारत अभियान की बात हो, या स्वच्छता अभियान की बात हो, या आप देख लीजिए डॉक्टर अम्बेडकर जी के जहां जहां वो गए, पांच स्थानों पर गए, उनको तीर्थ स्थल के रूप में स्थापित करने की, संग्रहालय के रूप में, ये जो प्रेरणा लेने के लिए कि आम आदमी को, युवाओं को प्रेरणा मिले उनसे, उनके जो उनके आदर्श रहे, सिद्धांत रहे, उनको हम पालन करें और उनसे कुछ सीख लेते हुए देश को, अपने देश को आगे बढ़ाएं, इस दिशा में मोदी सरकार काम कर रही है। और मायावती ये भी कह रही थी दिलीप जी कि अगर पुष्प अर्पित कर दिए होते अम्बेडकर जी की प्रतिमा पर तो और अच्छा होता, क्योंकि उन्हीं की वजह से तो राष्ट्रपति बने, और वहां भी फूल अर्पित नहीं किए। घनश्याम जी, मायावती जी जिस एक जाति विशेष की राजनीति कर रही हैं, उनको लग रहा है कि ये एक उनका जो वोट बैंक है जिसकी सदैव वो राजनीति करती आई हैं। क्या मैं एक प्रश्न भी करना चाहूंगा, क्या मायावती जी ने कभी डॉक्टर अंबेडकर जी के सिद्धांतों को पालन किया जब सत्ता में रही, और जिन दलितों की राजनीति करती आई उनमें क्या परिवर्तन आया? क्या उनका आर्थिक स्तर बदला या उनका सामाजिक परिवर्तन हुआ? कतई नहीं हुआ। उन्होंने सिर्फ उनको ठगने का काम किया है और आज उनकी पूरी जमीन खिसक चुकी है, तो अब उस पे फिर वो राजनीति कर रही है। तो राजनीति की संख्या से तो भी जाएगा। सुनील जी, ये माना जाए कि असल में अपने हित के हिसाब से पॉलिटिक्स की जा रही है, उसी के हिसाब से बयान भी दिए जा रहे हैं, और उन बयानों को देते वक्त हम ये भी ख्याल नहीं रख रहे कि हम किसके खिलाफ और किस पर बयान दे रहे हैं। नहीं देखिए, जो व्यक्ति राजनीति में है, राजनीतिक व्यक्ति, और राजनीतिक बयान देगा, लेकिन हम लोगों को एक चीज बिल्कुल मन साफ करके मन में ख्याल रहना चाहिए, दिमाग में, कि देश से बड़ा कोई नहीं है, और देश के बाद राष्ट्रपति का पद, महामहिम राष्ट्रपति का जो पद है वो हमारे देश में ऐसा रहा है जिसको राजनीतिक तौर पर, धार्मिक तौर पर, जाति के आधार पर कभी न देखा गया है, और ना ही मुझे लगता है भविष्य में देखा जाना चाहिए। वो कल तक भारतीय जनता पार्टी के लीडर रहे होंगे, आज शपथ लेने के बाद पूरे देश के राष्ट्रपति हैं, पूरे देश के महामहिम हैं, हमारे देश तो के कांग्रेस ने ठीक नहीं किया फिर सर, मैं मानू ना, नहीं मैं कह रहा हूँ कांग्रेस कोई नहीं किया। कोई भी व्यक्ति अगर देश के महामहिम पर सवाल उठाता है तो मुझे लगता है कि उसे सवाल नहीं उठाना चाहिए। हाँ, उन्होंने किसको प्राथमिकता दी, किसको नहीं दी, ये सवाल दूसरे फोरम पे हो सकते हैं। अंशु अवस्थी जी, तो समाजवादी पार्टी भी यही मान रही है सर कि आपको ये नहीं कहना चाहिए, तो गुलाम नबी आजाद को इस चीजों से, इस बयान से परहेज करना चाहिए था। अब समाजवादी पार्टी को भी समझाना होगा आपको असल में। घनश्याम जी, ये समाजवादी पार्टी का अपना विचार हो सकता है, लेकिन महामहिम पे कोई सवाल नहीं है। मैं फिर स्पष्ट कर दूं
ये महामहिम पर कोई सवाल नहीं, चूंकि उन्होंने संबोधन में जब महापुरुषों के नाम लिए जो आजादी के नायक थे, तो उसपे एक ये टिप्पणी जरूर बनती है कि जब प्रथम मंत्रिमंडल या स्वतंत्रता के बाद का जो एक भारत का परिदृश्य था, उन नेताओं के नाम लिए, तो उसमें नेहरू जी का भी नाम होना चाहिए था। ये सवाल नहीं है, महामहिम सबके सम्मानित हैं इस देश में, कांग्रेस भी सम्मान करती है, हमारी पार्टी, हमारे नेता भी उनके शपथ ग्रहण समारोह में थे, वो दूसरे, इसको आप अगर इस तरीके से समझेंगे तो मुझे लगता है ये कहीं ज्यादा उचित लगेगा। तो गुलाम नबी आजाद क्या इसी अंदाज में समझा रहे हैं सबको सर, जैसे आप मुझे समझा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल, गुलाम नबी साहब ने ये कहा कि जब देश के उन लोगों के नाम लिए गए जो वाकई में देश के आजादी के महानायक थे, तो नेहरू जी का भी नाम स्वाभाविक बनता था। बस उनका एक ये सुझाव था, इसको आप टिप्पणी और रफूगिरी भी कहें तो रफूगिरी भी तो वहां करिए सर जहां गुंजाइश हो। आप किस बात की रफूगिरी करें? गुलाम नबी आजाद का तेवर और अपना तेवर देख लीजिए सर, कितना अलग है बात करने का तरीका। आप बोल दीजिए कि उनका व्यक्तिगत बयान था, हर नेता का अपना अपना तरीका होता है, लेकिन जो भाव था वो यही है। अच्छा, वो जो आप ही को समझ आया, बस एक एक ये सुझाव या ये कह सकते हैं उनकी ये टिप्पणी थी, इस पर इसको लेकर कोई सवाल नहीं है। महामहिम पर, महामहिम का सम्मान है, बिल्कुल सर्वोच्च पद है, सारी बातें, लेकिन जब बात होती है कि उन गिने चुने नेताओं की जो देश की आजादी को लेकर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिए, तो वहां पर अगर नाम नहीं, तो ये एक टिप्पणी थी, इसको अगर सवाल के जरिए आप सर एनडीए की पॉलिटिक्स पे भी सवाल उठाते हैं ना सर, आप एनडीए की पॉलिटिक्स पे भी सवाल उठाते हैं, आप बीजेपी भी सवाल उठाते हैं, परोक्ष रूप से असल में आपका हमला रामनाथ कोविंद पे नहीं है। कांग्रेस इस पर राजनीति नहीं करना चाहती, लेकिन ये जरूर है कि चूंकि जब नाम लिए गए तो वाकई में प्रमोद जी ने बिल्कुल सही कहा, मैं सहमत हूं कि नेहरू जी का भी नाम लिया जाना चाहिए था। बाकी महामहिम है देश के, सबको सबका सबकी तरफ से, हमारी तरफ से भी, हम भी सम्मान करते हैं, और वाकई में निश्चित तौर से इसमें इसको राजनीतिक चश्मे से न देखा जाए, यही अच्छा है। तो आप सर बता देंगे फिर किस तरीके से नेहरू जी कांग्रेस के ही नहीं वरन देश की आजादी के नेता। ठीक है प्रमोद जी, प्रमोद जी इतनी बड़ी पार्टी कांग्रेस खुद को समझती है और लगता है कई बार कांग्रेस पूरा देश भी है उनके हिसाब से, सर वहां इस तरह की बयानबाजी होनी चाहिए थी? और गुलाम नबी आजाद को जो बार बार हम कोट कर रहे हैं बात, क्या वो वैसी ही है जो समझाने की कोशिश अंशु अवस्थी कर रहे हैं? नहीं देखिए, अंशु जी का कहने का आशय सिर्फ इतना सा ही मुझे लगता है कि उन्होंने कहा कि नेहरू जी को प्रधानमंत्री के रूप में ही खाली नहीं, जब और लोगों का उसमें जिक्र किया गया तो फिर शायद उसमें नेहरू जी का उल्लेख, मैं समझता हूं कि पटेल जी का किया गया, ये भी अगर आप उसको, मैं विवाद में, चूंकि राष्ट्रपति हमारे देश के प्रथम नागरिक ने कोई बात कही है उस पर टीका टिप्पणी मैं उचित नहीं समझता, उसका मैं खुद इस बात का विरोध करता हूं कि नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर पटेल का उल्लेख किया गया तो नेहरू का उल्लेख सामयिक है और उसका उल्लेख तो किया जाना चाहिए। गाइडलाइंस हैं क्या सर कि इसका उल्लेख होगा तो फिर ये उल्लेख भी होना ही चाहिए सर? कोई नहीं उपाध्याय जी सर, ऐसे नहीं उपाध्याय जी, इसमें गाइडलाइन का सवाल नहीं है। जैसा अगर उन्होंने ये आलोचना की है गुलाम नबी आजाद ने, तो वो सिर्फ इसलिए इस बात पर टिप्पणी की है, आलोचना कह लीजिए या टिप्पणी की है, कि अगर पटेल का उल्लेख किया गया तो नेहरू का उनसे कम योगदान या उनसे ज्यादा ही योगदान था, कम नहीं था। इस आजादी में किसी के कम या ज्यादा आकलन नहीं किया जा सकता, दोनों ही तो सर बड़े नेता है देश की आजादी में। लेकिन जाता है कि कांग्रेस ने नेहरू की तुलना में सरदार पटेल के योगदान को उस तरह से प्रचारित ही नहीं किया जितना कि आप नेहरू तक किया, उनके सारे योगदान को कहीं ना कहीं छोड़ दिया, आरोप लगाते हैं। नहीं 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 उपाध्याय जी देखिए, स्वीकार करिए ना, जिनके पास अपना कोई इतिहास करिए, वो दूसरों पर ही टिप्पणी करते हैं, स्वीकार करिए, और प्रश्न पूछिए ये सच्चाई तो आपके नेता रहे उस समय, आपके नेता क्यों नहीं, क्यों नहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल के सिद्धांतों को आपने बताया आजादी में, क्यों नहीं बताया सरदार भाई वल्लभ भाई पटेल के सिद्धांतों का, बीजेपी और आजादी के समय क्या काम कर रहे थे, सब इतिहास जानते हैं, सारा हिंदुस्तानी जानते हैं। अगर आप प्रमोद जी से लगाने का काम कर रहे हैं, आजादी को लेकर बहुत सारे लोग शहीद हो रहे थे, अपने आप को, अपनी जान न्यौछावर कर रहे थे, उस समय आरएसएस को लोग अंग्रेजों की मुखबरी का काम कर रहे थे। नहीं, आप गलत बात कर रहे हैं, अंशु जी बात कर रहे हैं, आपके साथ जानकारी नहीं है, इनको पता कर आपने के पास हजार बयान इतिहास से न जानकारी, जानकारी
घनश्याम जी समस्या ये जब इनके पास अपना इतिहास नहीं तो मुद्दा है वो बात करेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल जो मसला है बात करेंगे अम्बेडकर की सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बात करेंगे कांग्रेस की करने का काम किया था कोई साहित्य नहीं है के मसले को सरदार पटेल के योगदान को लेकर पूछ लिया तो देखिए बहस भड़क गई ना ठीक है बहस भड़क गई ना पूछ लिया तो सही है सर कई सवाल आपको भड़का देते मैं समझ रहा हूँ सुनील जी बोलिए बोलिए क्या कह रहे थे आप अभी दिलीप जी बोल रहे थे कि आजादी के समय किसका क्या इतिहास है इन्होंने बहुत अच्छा सवाल उठाया बीजेपी के प्रवक्ता है मुझे लगता है कि आपके चैनल के माध्यम से भी जिन लोगों को नहीं मालूम है उनको भी मालूम होना चाहिए पार्टी के प्रवक्ता ये आजादी का इतिहास असल में सर ईश्वर की उम्मीद नहीं होती सर ईश्वर की उम्मीद नहीं है लेकिन अपने बयानों का ख्याल रखना होगा किसी भी आरोप को देखना होगा ये आरोप लगाए कहा जा रहा है बहुत शुक्रिया सर बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में आने के लिए जुड़ने के लिए अपनी राय रखने के लिए लेकिन क्या राष्ट्रपति के पहले ही संबोधन पे इस तरह की बयानबाजी होनी चाहिए थी क्या बहस की गुंजाइश है आप अच्छे से समझते हैं बहुत शुक्रिया आप सभी का बिग बुलेटिन देखने के लिए शुभ रात्रि